Today our discussion topic is about lateral pattern. In this lecture we will discuss about how will you write the pattern of any lateral. First of all, you will write here examination form. In the end you will put here comma. Then city ABC. Right after the C you will put full stop, but your full stop should be exact under the N. Okay. Next you will write the date 4th December 2020 and comma should be under the full stop. Then you will skip first line. Next line आपने skip कर देनी है. Then you will write dear father. Then you will take iron scale. यहाँ रखेंगे आप लोग और letter रखेंगे I receive या कोई भी है जो first letter आ रहा है आपका letter के अंदर body में. आप ऐसे लिखना start करेंगे, ठीक है? जैसे कि अगर आपने second paragraph start करना है students, तो आपने इसी के नीचे से स्टार्ट करना है. एग्जैक्ट इसके अंदर से आएगा यू, ठीक है? या फिर आप आयरन स्केल लेकर फुल स्टॉप लगाएंगे, लिखना स्टार्ट करेंगे. नेक्स्ट लाइन बी आप इसी तरीके से स्टार्ट करेंगे. एंड पे आपने लिखना है, अगर फादर है, जहां आपके ब्लड रिलेशन आएंगे, फादर मदर ब्रदर सिस्टर, उसके लिए आप लोग वर्ड इस्तेमाल करेंगे अफेक्शनेटली, ठीक है? लेकिन अगर आपकी फ्रेंड आ रही है, फ्रेंड आ रहा है या, तो आपने फ्रेंड के लिए यूज करना है सिंसेयरली, क्योंकि फ्रेंड के साथ आप लोग सिंसेयर होते हैं, ठीक है? लेकिन अगर आपको किसी अदारे के या इंस्टीट्यूशन के अंदर काम करना पड़ रहा है और वहाँ पर अगर आप लिखेंगे लेटर, तो वहाँ पर आप ओबीडियंटली लिखेंगे, क्योंकि हम उनके ओबीडियंट होते हैं. जो वो ऑर्डर करते हैं वी विल हैव टू फॉलो, ठीक है? अच्छा, एक डेट जो है ये भी मैं आपको बता दूँ, इस तरह तरीके से भी लिखी जाती है. कुछ स्टूडेंट्स इस तरीके से भी लिखते हैं. दिसंबर 4, 2020 फुल स्टॉप, ठीक है? इफ यू विल राइट द नंबर रोमन नंबर इन बिटवीन दिसंबर एंड 2020, तो फिर आप आपने टी एच नहीं लगाना. स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यहाँ पर टी एच लगा देते हैं, वो कंसीडर रोम किया जाता है, ठीक है? लेकिन अगर आप रोमन नंबर बिल्कुल स्टार्ट में लगा रहे हैं, तो यहाँ भी आप लोग टी एच भी लगाएंगे, आर डी भी लगाएंगे, एन डी भी लगाएंगे, एस टी भी लगाएंगे. फर्स्ट आएगा तो एस टी लगाएंगे, सेकेंड आएगा तो बेटा आप एन डी लगाएंगे, थ्री आएगा तो आर डी लगाएंगे, फिर आगे आपको फोर्थ आएगा तो टी एच लगाएंगे, जिस तरह मैंने आपको बताया, ठीक है? आपने इस पैटर्न को इसी तरीके से फॉलो करना है. घर में एक तो एक से दो घंटा प्रैक्टिस करें इस पैटर्न की. ये लेटर का पैटर्न है, इसको बोलते हैं, इसकी दरमियान वाली जो जहाँ पे हम लेटर लिखते हैं उसको बोलते हैं बॉडी. ये बॉडी है बेटा जी, ये 4 मार्क्स की होती है. ये ऑलमोस्ट टू, कुछ लोग कहते हैं कि 2 मार्क्स की है, लेकिन कुछ कहते हैं कि 3 मार्क्स की है. सो आपके 4 मार्क्स पैटर्न के ही बनते हैं और मुझे 3 मार्क्स के कंसीडर किया जाता है और गिवन मार्क्स कंसीडर किया जाता है. अच्छा जी, अब आपने एक्स वाई जी लिखना है और लाइन के ऊपर लिखना है. एक्स के बाद भी फुल स्टॉप आएगा, वाई के बाद भी फुल स्टॉप आएगा एंड जी के बाद भी फुल स्टॉप आएगा. आई होप सो यू हैव अंडरस्टूड ऑल द पॉइंट्स व्हिच आई हैव डिस्कस्ड इन दिस lecture of that pattern. If you are having any confusion, then text me. Meri taraf se.